स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। 7 चरणों में चुनाव होने हैं। 2019 के 5 चरण आज समाप्त हुए, लेकिन एक बार फिर से साबित हो गया कि पश्चिम बंगाल में न सिर्फ मुश्किल है, हिंसा के बिना चुनाव करना नामुमकिन होता चला जा रहा है। जी हां, आज 2 जगहों पर, हुगली और बैरकपुर, 2 जगहों पर हिंसा देखी गई। आरोप यह है कि कथित रूप से TMC समर्थकों ने यहां पर BJP के उम्मीदवार पर हमला बोल दिया। पांचवें चरण के मतदान में भी पश्चिम बंगाल की कहानी नहीं बदली। बंगाल में पांचवें चरण का मतदान भी हिंसा से अछूता नहीं रहा। सुबह 7 बजे से पश्चिम बंगाल में मतदान शुरू हुआ। इस दौरान बैरकपुर लोकसभा क्षेत्र में भीषण हिंसा की खबरें आ गई। बैरकपुर के BJP प्रत्याशी अर्जुन सिंह हिंसा की चपेट में आ गए। ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल की राजधानी से करीब 30 किलोमीटर दूर उत्तर मोहनपुर की हैं, जहां बैरकपुर से BJP प्रत्याशी अर्जुन सिंह को TMC के कथित कार्यकर्ताओं ने घेर लिया। उनके साथ धक्का मुक्की होने लगी। दरअसल बैरकपुर में मतदाताओं के साथ जोर जबरदस्ती और धमकाने की खबरें सुबह से ही आने लगी थी। जब BJP उम्मीदवार अर्जुन सिंह हालात का जायजा लेने पहुंचे, तो गुंडों ने उन पर भी हमला कर दिया। তৃণমূলে গুন্ডারা আমার উপরে অ্যাটাক করেছে। এখানে একটা তৃণমূলে পোলিং এজেন্ট বলছে কি ক্যান্ডিডেট ভিতরে ঢুকতে পারে না বুথের মধ্যে। এটা অস্পর্ধা কত বেড়ে গেছে কি ক্যান্ডিডেট ভিতরে ঢুকতে পারে। बैरकपुर के ही एक पोलिंग बूथ में वोटिंग के दौरान अचानक हंगामा मच गया। BJP और TMC कार्यकर्ता बूथ में ही भिड़ गए। কিছু কই করছি এটা মারপিট আমি জীবনে কিনা দেখিনি আমার 30 বছর বিয়ে হয়েছে এখন আমি শান্ত না দেখেছি মানে শান্তি প্রিয় আমি ভোট দিচ্ছি এখানে এত মারপিট হচ্ছে মানে রিপোর্টার এত মিলিটারি আমি জীবনে দেখিনি। হালাঁকি কুছ লোগোঁ কা আরোপ থা কি BJP কার্যকর্তাওঁ নে গড়বড়ি ফেলাই। তৃণমূল সদস্যর বাড়িতে আছে অর্জুন সিং গুন্ডাগিরি করে ওনার বাড়ির দোকানটা ভেঙেছে, মহিলাদেরকে মেরেছে ওনার, এই যে আমাদের পঞ্চায়েত তৃণমূলের মেম্বার তার বাড়িতে এসে অর্জুন সিং যে গুন্ডামিটা করলো ওইটা ওনাকে বলতে বলুন, উনি কি করে আজকে আমাদের পাড়ায় এসে উনি গন্ডগোলগুলো করছে। ব্যারাকপুর মে कई जगहों पर वोटिंग के दौरान सड़क पर घूम रहे गुंडों का आतंक दिखा। गंज गली इलाके में घर के बाहर जमा कुछ लोगों के साथ मारपीट की गई, जिसमें 2 लोग जख्मी हो गए। इसके अलावा बदमाशों ने मौके पर तोड़फोड़ भी की। यहां भी आरोप TMC कार्यकर्ताओं पर लग रहे हैं। उधर हुगली में भी पोलिंग बूथ में गड़बड़ियों की शिकायत आई। BJP उम्मीदवार लॉकेट चटर्जी ने कई बूथों पर छापामार कार्रवाई की, लेकिन ये छापामारी लॉकेट चटर्जी के लिए महंगी पड़ गई। वो खुद हिंसा की शिकार हो गई। उनकी गाड़ी पर जमकर पथराव हुआ। पूरा के सुबह से सब हमारा BJP एजेंट को पूरा के पूरा भगाने का कोशिश कर रहा है। एक भी एजेंट इधर नहीं है, मार के सबको भगा दिया है। राज्य पुलिस के बाद आपने सेंट्रल पुलिस की मांग की थी, क्या उससे कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं, ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। CRPF को मैंने बोला है, वो तो जानता ही नहीं है। मैंने बोला उधर छप्पा हो रहा है, सब लोग इधर बैठे हुए हैं, तो मैंने बोला आप जाओ उसको देखो, उधर पूरा पूरा सुबह से छप्पा हो रहा है, अभी तो कुछ भी वोट खाली नहीं है। तो क्या ये माने कि इस समय जो प्रक्रिया है उसको ही उल्लंघन कर दिया गया है पूरी तरह? एकदम पूरा के पूरा धनिया खाली, एकदम पूरा के पूरा। हुगली और बैरकपुर में जहां बनगांव लोकसभा क्षेत्र में भी हिंसा हुई। बनगांव के एक पोलिंग बूथ के बाहर उपद्रवियों ने बम फेंक कर दहशत फैलाने की कोशिश की। पिछले सभी चरण के मतदान की तरह पश्चिम बंगाल का ये चरण का मतदान भी 2 बातों के लिए चर्चा में रहा। पहला तो बम्पर वोटिंग और दूसरा खूनी खेल, जिसमें खून बह रहा है हिंसक झड़पों में। ऐसे में पश्चिम बंगाल की सियासत में ये कोई नई बात नहीं है, हिंसा यहाँ पर हर बार होती है, भले ही वो वाम मोर्चा की सरकार हो, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सत्ता हो या फिर एक और चुनाव, और इन सब के बीच में खून हमेशा ही बहता है।
पश्चिम बंगाल में पांचवें चरण में आज 7 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हुई, लेकिन पांचवें चरण का मतदान भी हिंसा से अछूता नहीं रहा। मतदान के दौरान हिंसा को लेकर अब बीजेपी और टीएमसी एक दूसरे पर आरोप लगा रही। जिन इलाकों में हिंसा हुई वहां बीजेपी दोबारा मतदान करवाने की मांग कर रही है, जबकि टीएमसी हिंसा की बात से इनकार कर रही है। आज हमारी मांग है कि बराकपुर में पुनः चुनाव कराए जाए, क्योंकि आज जो हुआ है वो लोकतंत्र के नाम पर एक रिगिंग पोल हुआ है, डेमोक्रेटिक पोल नहीं हुआ है, और इसलिए वहाँ रिपोल किया जाए। भारतीय जनता पार्टी तो आरोप लगा रही है कि आप रिगिंग कर रहे हैं, आप बूथ कैप्चरिंग कर रहे हैं और राज्य सरकार की पुलिस का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वो लोग क्या कर रहे हैं तब, वो कहाँ है रिगिंग और कहाँ है? आप तो घुमा श्रीरामपुर पार्लियामेंट में, कहाँ कुछ देखा? सब तो पीसफुल हो रहा है। उन लोग का तो सब CISF जवान ले आया, BSF जवान ले आया। इससे पहले चौथे चरण के चुनाव में भी पश्चिम बंगाल में जमकर हिंसा हुई थी। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी प्रत्याशी बाबुल सुप्रियो की गाड़ी के शीशे तोड़ दिए थे। यह हाल तब है जब पश्चिम बंगाल में कड़ी सुरक्षा के बीच 7 चरण में मतदान करवाया जा रहा है, वरना हालात बद से बदतर हो सकते थे। हुगली से मनोज्ञा लोहिवाल के साथ इंद्रजीत कुंडू, बैरकपुर आज तक। पांचवें चरण में उत्तर प्रदेश की कई VIP सीटों पर आज वोटिंग होनी थी। अमेठी पर सबकी नजर थी, अमेठी रायबरेली, खास तौर पर अमेठी, क्योंकि स्मृति ईरानी बहुत आक्रामक है राहुल गांधी के खिलाफ। आज यहां पर लोगों ने वोटिंग कर दी है, दोनों की किस्मत EVM में कैद हो गई है, लेकिन दिन होते होते खबर आई कि राहुल गांधी अमेठी आएंगे, फिर वो आए नहीं। स्मृति ईरानी का कहना है कि पहले ही हथियार डाल दिए राहुल गांधी ने। साल से लगातार सांसद रहे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी या फिर 5 साल से अमेठी को अपना बताने वाली बीजेपी प्रत्याशी स्मृति ईरानी, उत्तर प्रदेश की सबसे हाई प्रोफाइल सीट अमेठी पर आज मतदाताओं ने अपना फैसला EVM में बंद कर दिया। सुबह 7 बजे से ही अमेठी में मतदान शुरू हो गया था, बुजुर्ग और जवान सभी कतारों में थे। बीजेपी प्रत्याशी स्मृति ईरानी पूरी तरह सक्रिय थी, बूथ बूथ जाकर जायजा ले रही थी कि मतदान में कहीं गड़बड़ी तो नहीं है। उधर इस बात का शोर मचा कि राहुल गांधी भी मतदान वाले दिन अमेठी पहुंच रहे हैं। फुर्सतगंज हवाई अड्डे पर लोग पहुंच गए, लेकिन राहुल गांधी नहीं आए। स्मृति ईरानी ने दावा किया कि राहुल ने अपनी हार मान ली है, लिहाजा वो मतदान वाले दिन भी अमेठी में आने की हिम्मत नहीं दिखा पाए। कितना कॉन्फिडेंट है अपनी जीत के बारे में आज? मैं इतनी कॉन्फिडेंट हूँ कि आज कांग्रेस का प्रत्याशी अमेठी से गायब है। लापता सांसद तो 15 साल थे ही, लेकिन आज अगर आपको आज तक को अमेठी का सांसद अमेठी में मिल जाए तो कृपया अमेठी की जनता को संपर्क करें। शायद वो कॉन्फिडेंट है इसलिए नहीं आए हो। क्या कॉन्फिडेंस है या एरोगेंस है कि मैं 15 साल यहाँ पर सेवा नहीं दूंगा तब भी जनता के पास और कोई उपचार नहीं होगा, कि मैं 15 साल यहाँ पर जनता को विकास से वंचित रखूंगा फिर भी जनता मेरे पीछे पीछे भागेगी? ये जागरूक जनता है और अमेठी अब अपने विकास के लिए और अपनी आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रही है। स्मृति ईरानी का जवाब दिया कांग्रेस नेता और सुल्तानपुर से प्रत्याशी संजय सिंह ने। स्मृति ईरानी ये शिकायत तो कर रही हैं कि राहुल जी ने विकास नहीं किया। मेरे हिसाब से जो विकास यहाँ हुआ है उनके परिवार से, उन्हीं के द्वारा हुआ है। पांच साल स्मृति ईरानी जी थी, उनकी सरकार थी, प्रधानमंत्री उनके थे, उन्होंने ही कुछ करके दिखा दिया होता। बल्कि उन्होंने इस 5 साल में राहुल जी ने जो सैंक्शन कराई थी प्रोजेक्ट्स, हजारों करोड़ का प्रोजेक्ट और हजारों लड़कों को नौकरी मिलती, वो सारी यहाँ से उठा के ले गई। आज ये सब उनको हिसाब देना चाहिए कि वो क्यों ले गई। आज केवल क्रिटिसाइज करना ही उनका काम है, इसके अलावा उनके पास कुछ नहीं है, इसलिए कि वो जानती है कि जाने वाली है। अमेठी में मतदान के दौरान कुछ गड़बड़ी की शिकायतें भी आई। यहाँ के मुस्लिम बहुल तेंदुआ गाँव के लोगों का आरोप है कि उनके नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए। हमारे यहाँ चार लोगों का नाम नहीं आया, सिर्फ 2 पराने का आया है बस। हमारे घर में 7 लोग हैं, उसमें से 3 लोग का नाम आया है और 4 लोग का नाम नहीं आया है। वहीं गौरीगंज में 70 साल की एक बुजुर्ग महिला ने आरोप लगाया कि पीठासीन अधिकारी ने जबरन उसका वोट कांग्रेस को दिलवा दिया। हम गए तो हमें किसी
हम जना थे, हम अपन देखत रहे हमका जहाँ वोट डावे का है, हम देखत रहे ध्यान से। तो भैया जो बगल बैठा है वो हमारे हाथ पकड़ के हम मने अपने हाथे जात रहे, जो देखा तो हम वही पर कमल के फूल पे लगा ठीक है। तो वह दौड़ के हमारे हाथ पकड़ के पंजाब लगवा। हालांकि प्रशासन ने फर्जी वोटिंग की बात से इनकार कर दिया, लेकिन पीठासीन अधिकारी को वहां से हटा दिया गया। यूपी की एक और हाई प्रोफाइल सीट लखनऊ में भी आज मतदान हुआ। यहां से प्रत्याशी और केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में वोट डाला और अपनी जीत का दावा किया। अमेठी से पौलोमी शाह और कुमार विक्रांत सिंह के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक। इसे लोकतंत्र का सबसे बड़ा जश्न कहा जाता है, आज उसी के अजब गजब रंग आपको दिखाते हैं। एक 114 साल की बूढ़ी अम्मा ने आज वोट डाला। हिम्मत इससे बननी चाहिए उन तमाम लोगों की जो घर में बैठे रह जाते हैं, अपने वोट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अच्छा, एक दुल्हन बाबुल के घर से विदा हुई, लेकिन ससुराल पहुंचने से पहले वोटिंग बूथ पहुंचकर मतदान किया। लोकसभा चुनावों के पांचवें चरण में मतदान के दौरान आज भी अजब गजब रंग देखने को मिले। कहीं विदाई से पहले दुल्हन ने सुबह सुबह वोट डाला, कहीं जवान मददगार बने, तो कहीं 114 साल की बुजुर्ग भी वोट डालने पहुंची। लोकतंत्र के त्योहार में ढोल नगाड़े बजे तो दिव्यांग टोकरी में बैठकर मतदान केंद्र तक पहुंची, जबकि पिंक बूथ में महिलाओं ने जमकर मतदान किया। गोंडा के कैसरगंज में दुल्हन दीपशिखा ससुराल के लिए विदा होने से पहले बूथ पर वोट डालने पहुंची। दीपशिखा की कल शादी थी। मतदान में दूल्हे भी पीछे नहीं रहे। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में शादी के लिए जाने से पहले दूल्हे ने अपने वोट के अधिकार का इस्तेमाल किया। दूल्हे के साथ बारातियों ने भी मतदान किया। मुजफ्फरपुर में भी दूल्हा सज धज कर मतदान करने पहुंचा, वहीं चैनपुर गांव के लोग नदी पार कर वोट देने पहुंचे। यूपी के महोबा में हो रहे रिपोलिंग के दौरान अनोखा नजारा देखने को मिला। यहां गांव की महिलाएं और पुरुष वोट डालने से पहले ढोल की धुन पर जमकर नाचते दिखे। पहले डांस, फिर वोटिंग का अनोखा नजारा मतदान को लेकर इनके उत्साह को दिखाता है। राजस्थान के झुंझुनू लोकसभा सीट में महिलाओं ने जमकर मतदान किया। दोपहर बाद पारा 40 के पार चला गया, उससे पहले ही भारी तादाद में मुस्लिम महिलाओं ने वोटिंग की। ये इंडियन स्कूल का पिंक बूथ है, जहां महिलाओं के लिए वोटिंग के अलग इंतजाम हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा वोटिंग करके, क्योंकि ये मेरा पहला वोट था, तो कुछ ज़्यादा ही खुशी हुई थी। और देश के हित में अपन जो भी काम करते हैं, ऑफिस की बात, उसमें काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है। सिर्फ पहली बार वोट देने वालों में ही नहीं, मतदान का जज्बा 100 की उम्र पार कर चुके लोगों में भी दिखा। कौशाम्बी में 114 साल की महिला वोट डालने पहुंची तो माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया। बिहार के मधुबनी में भी आज वोट डाले गए। यहां मतदान के दौरान अनोखी तस्वीर दिखी। 58 साल की दिव्यांग महिला को लोग टोकरी में बिठाकर वोट दिलाने लाए। चुनावी रंग में ज्यादा से ज्यादा मतदान की अपील भी अपना रंग दिखा रही है। आज तक ब्यूरो। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।